अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको लाप्लास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ करवाऊंगी। ये क्वेश्चन कह लें, थ्योरम कह लें, प्रूफ कह लें, कुछ भी कह लें इसे। ये है कि लाप्लास ऑफ के इज़ इक्वल टू के ओवर एस। अच्छा, के यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, या कोई भी नंबर इंटीजर वगैरह का, मतलब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है वो है यहाँ पर, कि उसका अगर हम लाप्लास लें तो जवाब क्या आता है। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो मैं पिछली वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। मतलब उसके अंदर सारे प्रूफ के अंदर वो छोटा सा उसका एक रिज़ल्ट था, वो मैंने वहाँ पे बता दिया था। लेकिन अब प्रॉपर प्रूफ मैं इस वीडियो में करवाऊँगी, और मैं आपको बताऊँ और आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि वो कौन सा था। अच्छा जी, लाप्लास ऑफ के इज इक्वल टू के ओवर एस। लाप्लास का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके अंदर लाप्लास का फॉर्मूला ये था, हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आना है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई एक्सपोनेंट के पावर माइनस एस टी और एफ ओफ टी डी टी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोगों ने एफ ओफ टी की जगह क्या पुट करना है, हमें के चाहिए, ये के लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे हमने एफ ओफ टी की जगह के पुट कर दिया। अब यहाँ पे के आ गया, अब इसको हम लोगों ने जो है वो के एक क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोगों ने वो बाहर आ गई है, अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू बची है। इसका अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई की, तो e की पावर माइनस एस टी है, तो वैल्यू ऊपर पावर में जो कांस्टेंट है, ज़ाहिर है वो नीचे डिवाइड होगा, वो माइनस एस और वो 0 से इन्फिनिटी। तो अब इसके ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन लेने के बाद, अब हम इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया माइनस के ओवर एस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और अब हमें पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होती है, सिंस करके हम लोग करेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी होती है 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी होती है इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी करके यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस के ओवर एस आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ये तो हमारा प्रूफ था, तो इसके साथ साथ मैं इसकी एप्लीकेशन भी करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, लाप्लास ऑफ 100 हम लोगों ने फाइंड करना है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो लाप्लास ऑफ के हमने सिंस करके लिखना है, लाप्लास ऑफ के, ये एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप को है। तो लाप्लास ऑफ के क्या है, के ओवर एस है। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 100। सो लाप्लास ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 100 ओवर एस। अच्छा जी, जिस एग्जांपल की, मतलब जिस रिज़ल्ट की मैं बात कर रही थी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, वो क्या था, लाप्लास ऑफ 1। लाप्लास ऑफ 1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे के की जगह पे 1 है, तो हमने के की जगह पे 1 लगाया और नीचे हम लोगों ने लगा दिया एस, तो ये 1 ओवर एस और ये जो है 100 ओवर एस। ये दो हमारे पास एक तरह से इस प्रूफ की, इसके प्रूफ की जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रिज़ल्ट जो है वो बहुत जगह पे यूज़ होगा, ये आपको आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसके अंदर ये जाहिर है, इस तरह से तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट जो आएंगी ना वैल्यूज़, तो हम लोग ने डायरेक्ट उसके ऊपर लाप्लास का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, और उससे हमने उसका आंसर निकाल देना। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।